बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक जगह पे आए हैं जी, ये गुड़ का जो है बेलना लगा हुआ है। ये आपको अभी जी हम जो है बेलने के ऊपर लेके आए हैं, एक गांव के अंदर ये बेलना लगा हुआ है। ये जो है बीटर इंजन के साथ इन्होंने जो डीजल ऑपरेट सिस्टम लगाया हुआ है। बाज़ जगहों पे ये जो बैल के साथ या गधे वगैरह के साथ भी वो निकालते हैं, बेलना चलता है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बनाया हुआ बेलना। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे ये बेलना और कैसे वो गन्ने डाल रहे हैं, रस कैसे निकल रहा है। ये पूरा प्रोसेस है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख रहे हैं आप गन्ने की लंबाई मोटाई हर चीज बिखार है, जैसी जब बेलने के अंदर चली जाती है। ये आप देख रहे हैं लकड़ी की मुट्ठी लगाई होती है इन्होंने। ये देखें आप, ये लकड़ी की मुट्ठी लगाई होती है उठा के उधर तक जो है कड़ा तक ले जाने के लिए। थोड़ा सा रंग काट भी इस्तेमाल करते हैं साथ। इसमें ये जो है जब पकाई हो रही थी मुसलसल आप देख रहे हैं, ये वाइट साइड पे ये देखें कि ये जो है ये मैल सी जो रस के अंदर होता है, ये मैल जो होती है ये बाहर इकट्ठी हो रही थी साइडों पे। इसमें ये भाई साहब लेके खड़े हैं, ये इसको ये छानी बोलते हैं, कड़छा या छानी। ये छानी जो है इसमें ये मुसलसल निकाल निकाल के ये देखें कि ये एक्स्ट्रा इन्होंने ये रखा हुआ है मैल जो उसमें निकाल निकाल के डाल रहे हैं, और जितनी मैल निकल जाएगा उतना ये रस जो है वाइट। ये देखें ये जो भी एक्स्ट्रा जो है वेस्टेज वगैरह ऊपर आ रही है ये छानी के मदद से ये बिल्कुल ये साफ होता जाएगा। ये निकाल के उसमें डालते हैं, रस जो है नीचे चला जाता है साफ होके। डेढ़ से दो घंटे का प्रोसेस है। इसमें ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये जो भट्टी लगी हुई है इसका जो है ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये टोटल जो है इस हिसाब से जाता है रास जो जब पकाई का मरहला पूरा हो जाता है इसके साथ साथ चेक करना पड़ता है। जब ये प्रॉपर इसके अंदर ये एक लेयर सी बन जाती है, ये खींच के देख लेते हैं, उसके बाद ये जब तार बनना शुरू हो जाती है गाढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद ये ट्रेन है वे रंबे से ये स्क्रैपर से जो है ये नैला दैला जैसे पेंट वगैरह होता है ऐसे ये स्क्रैपर बने हुए, स्क्रैपर की वजह से इसको ये मुसलसल हिलाना पड़ता है। जब ये पकवाई का जो है ये काम के बाद जब इसको ठंडा करना होता है, जब इसको ठंडा करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है ठंडा हो जाता है, तो इसको हाथ की मदद से ये गोले मुख्तलिफ शेप में बना सकते हैं आप। इसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें अखरोट बादाम जो कुछ भी किशमिश वो डाल के बना सकते हैं। अगर आपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है, अगर आपने चावल वगैरह बनाने हैं दूसरे डोमेस्टिक यूज के लिए जो है बनाना है, तो उसके लिए आप मेवे वगैरह डालने की जरूरत नहीं, उसके लिए प्रॉपर जो है गोलियां बना सकते हैं। इसकी सांचे के अंदर मुख्तलिफ शेप भी बन सकती हैं। पिशावर के अंदर वो लोग छोटा गुड़ बनाते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये जो ट्रे है ये सांचा से डाई जिसको बोलते हैं लकड़ी की बनी हुई है। इसमें जो है एक पूर जो होता है एक पूर निकाल के डाल दें ठंडा, मटेरियल गाढ़ा हो जाएगा। इसको कड़ा के अंदर हमने ठंडा करना शुरू कर देना है, इसको हिलाते रहेंगे ये ठंडा होना शुरू हो गया। जब देखा कि तार बनने शुरू हो गए इसको हमने ये डाल लेना है ये साशे के अंदर, उसके बाद हमने इसको फिर ठंडा करना है, और इसको जब ठंडा करते रहेंगे हिलाते रहेंगे ठंडा होता जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्क्रैपर की मदद से इसकी डलियां बनानी शुरू कर देनी है। एक हाथ पे जो है पानी हल्का सा लगा के इसको डलियां बनानी है। देखें कि ठंडा करने का प्रोसेस कम्प्लीट होगा, इसको हार्ड नहीं होने देना। मेरी ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल KHOOJI खोजी टीवी के नाम से इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकअल्लाह।